तो फाइनली एक पार्सल आया है, ये डायरेक्ट उत्तराखंड से आया है। तो मेरा एक दोस्त रहता है उत्तराखंड में, तो उसी ने भेजा है और लिखा गया है मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन नहीं है इसमें, कुछ अलग चीज़ है। मैं दिखाता हूँ, चित्तरंजन बेरा, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। मैं इसको ओपन करता हूँ अभी। वॉलनट, इसको अखरोट बोलते हैं। ये पूरा रॉ है, इसको तोड़ के खाना पड़ेगा। ये पार्थ, मैंने इसका जो फार्म हाउस है मैंने देखा था अखरोट का, जब मैं उत्तराखंड में था, तो वही है। तो टेस्ट करेंगे इसको, पूरा फ्रेश है अभी, एक ही बार मैंने तोड़ा और निकल गया पूरा रॉ, बढ़िया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो कोको को अभी घुमाने लेके आया हूँ, काफ़ी जल्दी उठ गया आज। तो आज 31st है, तो देख सकते हैं सनराइज अभी तक हुआ नहीं, तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ साइकिलिंग के लिए निकलूँ। तो चलिए इसको अभी लेके चलता हूँ घर पे, देन साइकिल पे पंप भरवाना है, फिर निकलते हैं। क्योंकि इसका हैंडल नहीं है ना, तो पंप देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और हवा भी निकल रहा है, आपको नॉइज आ रहा होगा। तो हाथ भी देखिए पूरा लाल हो गया है, मतलब हैंडल नहीं है तो ये पूरा गर्म हो जा रहा है जब पंप में देता हूँ, प्रेशर देता हूँ साइकिल के पहिए में। ये साइकिल इतना दिन से पड़ा हुआ है ना, पूरा गंदा हो चुका है, चारों तरफ मकड़ी के जाल, ये सब पूरा धूल मिट्टी से कवर हो चुके हैं। आज इसको साफ करेंगे, देखो कितना सारा धूल है। तो पूरा साफ करेंगे अच्छे से, और कार का भी हालत ख़राब है, कल परसों बारिश हुआ था उसके वजह से पूरा गंदा हो चुका है ये पूरा कार। तो कार को भी साफ करेंगे, लेकिन पहले साइकिल को साफ करते हैं, क्योंकि न्यू ईयर में मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग राइड में जाऊंगा, तो देखते हैं साफ करते हैं, उसके बाद कार का देखते हैं। तो साइकिल को पूरा चमका दिया है अभी, सिर्फ कार की भारी है, कार पूरा धूल से ढका हुआ है, कार को भी साफ करेंगे, और ये तो चमक गया पूरा। सो 6:30 हो चुका है अभी, थोड़ा उजाला तो हो चुका है, अभी निकलेंगे सीधा राइड पे। सोच रहा हूँ नंदनकानन साइड जाऊँगा, आज के लिए 10-15 किलोमीटर काफ़ी है। तो नंदनकानन अभी पहुँच गए, अभी तो कोई नहीं है, सुबह 9 बजे ओपन होगा नंदनकानन, तो देखिए पूरा खाली है अभी। तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, वहाँ से रिटर्न कर लूँगा। ऑलमोस्ट शायद 8 या 9 किलोमीटर हुआ होगा, लेकिन नॉट श्योर। और यहाँ पे जो भी वेंडर्स थे सब साइड कर चुके हैं, ये फुटपाथ बन चुका है अभी। तो अभी निकलते हैं, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हुआ है, मैंने अभी स्ट्रावा चेक किया है, तो जाते वक्त भी 10 किलोमीटर होगा, तो 20 किलोमीटर का राइड हो गया, अच्छा है। मैं सोचा था 15 किलोमीटर का होगा, लेकिन 20 किलोमीटर है, तो काफ़ी अच्छा है। कल देखते हैं कितना किलोमीटर होता है, तो होपफुली कल सुबह मैं उठ जाऊँ जल्दी, नहीं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज रात का कुछ दूसरा प्लान है। तो देखते हैं, रात को अगर जल्दी सो गया तो जल्दी उठ जाऊँगा सुबह, फिर राइड करेंगे। अभी रास्ता पूरा खाली है, तो अच्छा लग रहा है राइड करने में, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाता है, सुबह 9 बजे आएंगे तो ये एरिया पूरा भीड़ हो जाता है। तो अभी देखिए पूरा खाली है, यहाँ का होटल सब ऐसे रोड साइड में ही, और पार्किंग एरिया नया बना हुआ है नंदनकानन का, तो कुछ दिक्कत नहीं है पार्किंग करने के लिए। तो चिकन तंदूरी अभी बन रहा है, रितु पूरा सुबह से लगी पड़ी है ये सब बनाने में, और एक बैच इसके बाद लगेगा, और मैं दिखाता हूँ क्या क्या बना हुआ है। ये आलू चॉप के लिए बना है मसाला, और ये है एग चॉप के लिए, और एक बैच निकल चुका है चिकन तंदूरी का, ये रेडी हो चुके हैं, और 2 बैच निकलेगा उसके बाद पैक कर लेंगे, फिर रितु के घर जाना है। और ये सब चटनी वटनी बनाने के लिए है, चटनी ऑलरेडी बन चुका है शायद, तो इतना बन चुका है, और शायद ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे। तो काम अभी ख़त्म हो गया, आज फ्राइडे है, तो अभी जा रहे हैं रितु के घर, वहाँ पे सेटअप सारा रेडी हो चुका है, लास्ट ईयर भी न्यू ईयर वहीं पे सेलिब्रेट हुआ था, तो इस बार भी वहीं पे हो रहा है। तो चलिए, मैं कोको को, लास्ट टाइम तो कोको नहीं गया था, इस बार कोको भी साथ में जाएगा, कोको पूरा रेडी हो चुका है, इधर उधर घूम रहा है। आमर एबे चुल्ली लगा हला, स्टार्ट हबो पकोड़ा, चिकन पकोड़ा,
चिकन तंदूरी बा हिजे तंदूरी लागिवो हबो आ कोबी पकडा हबो आ मशरूम आइ जैछि आलू चॉप छने हबो एक चॉप हां अभी के तेल पड़िवो हला धुआं बाल लानी निया जल छि कि नै एटा पकिया हबो हां सेटा हिजियो तो बेबी फुफु अभी आलू चॉप बना रहे मैं ऊपर खड़ा हूं तो ऊपर से शूट कर रहा हूं ये टेरेस है और नीचे वाला भी टेरेस है तो वहाँ पे कुकिंग चल रहा है तो चलता हूँ नीचे चलता हूँ दिखाता हूँ आपको एडा मॉकटेल बहुत बढ़िया लग गरम गरम पकौड़ी छड़ा हो जी अरे ये ठंडा ठंडा मॉकटेल मजा लो आपको आ ब्लॉग तो रेड ब्लू पूरा क्रिसमस वाला है ये सप्ताह गिए वो सप्ताह पर ये वो जी आराम रे ये हम वीडियो कर दे ये पकड़